The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, I am Dr.Paramjeet, Consultant Physician Cardiologist, Nursing Room SuperSpecialty Hospital, Nehru, Nager, Delhi NCR and you are watching Dr.Education, our channel. Friends, many people are asking about the coronavirus vaccine, that when will the vaccine come, why are you not making it quickly, what is the issue, why are you not making antidote, why are you not making someone's blood antidote, take the patient, etc, etc, etc. Unfortunately, people have so much जनरल बेसिक मेडिकल हेल्थ नॉलेज नहीं है कि वो ये बातें समझ रहे, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो आपको बेसिक समझाते हैं एक बार फिर. ऑल्दो वैक्सीन के बारे में मैंने निपा वायरस वाले वीडियो में भी बताया था कि वैक्सीन कैसे काम करती है, इंपॉर्टेंट, बट देन इस एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए. तो फटाफट शुरू करते हैं. देखिए, हमने ऑलरेडी आपको समझाया है कि वायरस कैसे काम करता है. वायरस एक बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है जो कि कैप्सूल के अंदर बन है, डीएनए या आरएनए, ये वाला आरएनए है. और ये वायरस एक कैप्सूल जो आपके अंदर जाता है, जब कैप्सूल आपको इन्फेक्ट करता है आपके लंग्स के सेल के अंदर जाता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर जाके रेप्लिकेट होना शुरू कर देता है. कुछ ही देर में आपका एक सेल, फिर वो फूट के बहुत सारे सेल, लंग्स पूरा का पूरा वायरस वाले जेनेटिक मटेरियल से भर जाता है और इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम आता है और फिर वायरस को, वायरस अट्रैक्टेड सेल्स को डैमेज करने लगता है. वहां आते हैं न्यूट्रोफिल्स जो कि डायरेक्ट सेल्स को मारते हैं साइटोकाइंस और एंजाइम्स के मदद से. आते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ये आपके सब सैनिक सेल है, ये सारे आपके ब्लड के WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं. सो व्हाइट ब्लड सेल्स में टी लिम्फोसाइट्स आते हैं और आते हैं बी लिम्फोसाइट्स. जो मेन हमारा वैक्सीन का कैंडिडेट है समझने के लिए वो है बी लिम्फोसाइट्स. क्यों होता क्या है कि पहले जब लड़ाई होती है एक बार एक पर्टिकुलर वायरस से, एक्यूट लड़ाई में बी लिम्फोसाइट्स का ज्यादा काम नहीं होता. एक्यूट लड़ाई में क्या होता है कि एक्यूट लड़ाई में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे देश में अगर कभी एलियन का देश का इंडिया में, दुनिया में अगर एलियन का अटैक होता है और हम पहली लड़ाई जीत भी गए, तो हम पहले से प्रिपेयर तो नहीं हो सकते कि हाँ वो किस प्रकार के एलियन थे और वो किस पर्टिकुलर तरीके के हथियार से मरते हैं. भाई साहब वो कहीं वैम्पायर तो नहीं थे कि सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज से मरते हैं या फिर कोई अजीबोगरीब प्राणी तो नहीं जिसको ये पर्टिकुलर इससे मारना, राइट, समथिंग लाइक दैट. वायरस को भी कैसे मारना है उसके लिए जो एंटीडोट, जो एंटीवायरस, जो बेसिक होता है वो हमारी बॉडी जो बनाती है वो बी लिम्फोसाइट बनाते हैं और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं. नाउ एंटीबॉडी का मतलब है एक पर्टिकुलर वायरस के पार्ट को उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है. वायरस के उस पर्टिकुलर पार्ट को, वो जो कैप्सूल के ऊपर के पार्ट कह लीजिए या फिर वायरस के ही, वायरस के कैप्सूल के ऊपर के पार्ट को एक प्रोटीन ले लेता है वो, और उस पर्टिकुलर प्रोटीन, मान लो आपके पास वायरस है, आपने वायरस को मार के टुकड़े देके साइंटिस्ट को दे दिया, लो भाई देखो इसमें इसको कैसे मारना है, अगली बार अच्छे से बता दो हमको, राइट. सेम वे ऐसी होता है, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, आपके माइक्रोफेजेस, जितने दूसरे सेल्स हैं वो पहले तो वायरसेस को मार देते हैं. यही काम बैक्टीरिया के साथ भी होता है, बैक्टीरिया वायरस दोनों को मार देते हैं और वो दे देते हैं उनकी लाशें या उनके जो टुकड़े हैं थोड़े बहुत, कि भाई ये लो बी लिम्फोसाइट, देखो ये क्या चीज़ है और इसके खिलाफ हमको सही प्लान दो, अगली बार आया तो हमको पता होना चाहिए व्हाट द हेल आई एम डूइंग, क्या करना मुझे, राइट. सो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, उसका स्टडी करके उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेते हैं, राइट. और इस एंटीबॉडी के लिए एक मेमोरी सेल बना देते हैं कि भाई बेटा आपका काम है याद रखना, ये वायरस जैसे ही फिर से आया हमको बताना, ठीक है. वो मेमोरी सेल घूमते रहते हैं, सोते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सोते रहते हैं, ठीक है. अब क्या होता है, अब अगली बार जब वो वायरस आपके अंदर आता है, सेम वायरस, सेम स्ट्रेन, सेम, कोई म्यूटेटेड वायरस नहीं, सेम वायरस अंदर आएगा, तब इंस्टेड कि वो वायरस जाके आपको अटैक करे, ये करे, आपके मेमोरी सेल की आंखें खुल जाती हैं और ये वही है, ये तो वही है, ये वही एलियन टाइप वही वायरस है, ये नया नहीं है, ये आया था, ये पता है मुझे क्या है. तो अब क्या होता है, अब इंस्टेड कि आपको वो आके इन्फेक्ट करे, आपके अंदर जाके इन्फेक्ट करे और बहुत ज़्यादा लंबे सा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी फैल जाए और फिर जाके आपके इम्यून सिस्टम को पता चले और रिस्पॉन्स आने में 5-6 दिन 8 दिन लगे, इंस्टेड आपका बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं उस मेमोरी सेल के वजह से और घपाघप एंटीबॉडी बनाने लगते हैं तुरंत. जो काम पहले 10-20 दिनों के बाद होना था इन्फेक्शन के बाद में, वो अब एक ही दिन में तुरंत होने लगता है और धड़ाधड़ वो एंटीबॉडी ब्लड में आके, वाई शेप्ड एंटीबॉडी होते हैं, वाई शेप एंटीबॉडी उस वायरस के कैप्सूल के ऊपर वाले प्रोटीन से अटैच होते हैं, वायरस को
मार देते हैं, घपा घप घपा घप वायरस को मारना शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब ये वायरस आपके अंदर आता है कुछ खास डैमेज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक भी वायरस एक भी सेल के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन कुछ खास मेजर डैमेज नहीं होगा। ये एक एक सेल की बात नहीं होती, ये ट्रिलियन सेल्स की बात होती है। तो इस तरह से वायरस और इस तरह से आपकी बॉडी उसको अफेक्ट करती है। तो यहां पर जो मेन चीज है कि वैक्सीन बनाने के बाद, वो ये है कि ये जो प्रोसेस है, एक बार इन्फेक्ट होने के बाद आपके अंदर बी लिम्फोसाइट से मेमोरी सेल बन जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इन्फेक्ट हो तो तुरंत के तुरंत एंटीबॉडी बना पाओ। इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली करना वैक्सीन वाला प्रोसेस है। मतलब अब हम क्या करते हैं, इसी वायरस के ऊपर जो कैप्सूल है, उस कैप्सूल का एक प्रोटीन, उसको लेके वैक्सीन बनाते हैं। उसके एक प्रोटीन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, एस प्रोटीन, एम प्रोटीन, कोई कोई अलग अलग तरह के प्रोटीन लेके वैक्सीन बना सकते हैं। तो उसका एक वैक्सीन बनाते हैं और वो वैक्सीन जो है उसको टेस्ट करते हैं। फिर टेस्टिंग मतलब वो वैक्सीन जब आपको देते हैं तो आपकी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर उस प्रोटीन, उस पर्टिकुलर वायरस को, उस पर्टिकुलर वायरस के पार्ट को के लिए भी इम्यून रिएक्शन करता है। छोटा सा इम्यून रिएक्शन का मतलब है थोड़ा सा आपको आपके अंदर टी सेल बी सेल आएंगे और बी सेल फिर टी सेल उसको मार के बोलेंगे ये देख लो, और उस पर्टिकुलर प्रोटीन के खिलाफ आपके बी सेल इम्यूनिटी बना लेंगे, यानी कि एंटीबॉडी बना लेंगे, मेमोरी सेल बना लेंगे। और अब अगली बार जब वो वायरस आपके अंदर आ जाएगा तब आपके बी लिम्फोसाइट्स के जो मेमोरी सेल्स है उसको पहचान के उसको तुरंत तुरंत मारना शुरू कर देंगे। सो ये एक्टिविटी को हम वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन तैयार करने के लिए वायरस के ऊपर के कैप्सूल के अलग अलग पार्ट को अलग अलग वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही कम से कम 10 से 15 अलग अलग वैक्सीन्स बन गई हैं, स्टडीज में हैं। स्टडीज को समय लगता है, स्टडीज को इतना समय लगता है कि नॉर्मली एक वैक्सीन को बन के उसकी पहले तो देखनी होती है काम करती है कि नहीं करती है, सेफ है कि नहीं है, एफिकेसी कितनी है, है ना, कि भाई आगे चल के दूसरे को साइड इफेक्ट्स ना कर दे, ऐसा ना हो कि सबको दे रहे हैं और उसमें से सिर्फ 5-6 लोग, थोड़े से कुछ परसेंटेज लोग ही बचे या कुछ फायदा ही नहीं कर रहा। तो सारी चीजें टेस्ट करनी होती हैं इसकी। सो बहुत सारे ट्रायल होते हैं, सेफ्टी, ह्यूमन ट्रायल, पहले एनिमल ट्रायल, फिर ह्यूमन ट्रायल, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक और सिस्टम निकाल लिया है, एक तो ये हो गया प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, एक हो गया, एक नई आ गई है एमआरएनए वैक्सीन। एमआरएनए वैक्सीन क्या है कि अब हम वायरस का एक्चुअल जेनेटिक कोड जो एमआरएनए एग्जैक्टली पता है कि ये ए टू जेड क्या है, तो उसको स्टडी करके हम एक ऐसा एमआरएनए बनाते हैं जो के अंदर जाके आपके सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर बिल्कुल वायरस के जैसे अंदर घुसेगा और वायरस के जैसे एक प्रोटीन बनाएगा। वायरस के जैसे वो क्या करेगा, एक प्रोटीन एमआरएनए क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन इम्यून रिएक्शन पैदा करेगा और बिल्कुल वही काम करेगा जो बी लिम्फोसाइट बनाने वाला काम है, वो काम वो एमआरएनए से प्रोटीन करेगा। तो अब एमआरएनए वाला वैक्सीन जो है उसमें थोड़ा सा इस चीज का फायदा है कि वो प्रोसेसिंग स्पीड, बनाने की स्पीड जो है वो काफी स्पीड हो जाती है। इसीलिए एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन हो सकता है जल्दी मार्केट में आ जाए, अगर उसकी टेस्टिंग सही आ जाती है, अगर देखा जाता है कि यस इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है, बाकायदा उस पर टेस्टिंग चल रही है। कब आएगी, इतनी जल्दी नहीं आने वाली, 8 महीने मिनिमम, और हो सकता है इसको 1-2 साल भी लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता अभी फिलहाल, राइट। हमारे इंडिया में साइंटिस्ट बना रहे हैं क्या? जी हाँ, देखिए वैक्सीन तो कोई भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी मतलब आप, मैं नहीं, ऑब्वियस ही बात है, जिनको उस चीज़ की मेडिकल डिग्री है, जो पर्टिकुलर लोग उस पीएचडी की रखी है, कर रखी है उस चीज़ में, वो बना सकते हैं। सो एक वैक्सीन बनाने के बाद में एक बड़ी कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को उसको टेस्ट करके FDA से अप्रूव कराना पड़ता है, वो इतना आसान नहीं होता और उसमें समय लगेगा। सो ये हुई वैक्सीन की बात। अब कई लोग कहते हैं कि एंटीडोट क्यों नहीं बना लेते। ये जो एंटीबॉडीज हैं जब एक पेशेंट के अंदर हैं, जो रिकवर कर लिया या जो अभी ऑलरेडी डेड है, उसमें से निकाल लो और दूसरे को दे दो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नंबर एक, अगर तो रिकवर्ड पेशेंट है, रिकवर्ड पेशेंट का प्लाज्मा लेके, रिकवर्ड पेशेंट है उसमें से क्या होता है, वैक्सीन सारे वायरस सारे मर जाते हैं। अब वो ऑलरेडी बहुत वीक है, ऑलरेडी पेशेंट बहुत वीक है वायरस को मार के, अब उसकी इम्यूनिटी और ज़्यादा कम कर दें, उसके अंदर से दूसरे वायरसेस आ जाए, दूसरे ये आ जाए, तब क्या होगा उसके बी सेल ये सेल ये। तो उस चीज़ में ये नंबर एक ये पॉइंट है कि उसको वीकनेस और हो सकती है। नंबर दो एक पॉइंट है कि ये इतनी क्वांटिटी में एक पेशेंट से निकाल के या इतने पेशेंट से निकाल के पूरी दुनिया में बांटने लायक तो बनेगा नहीं।
इम्यूनोग्लोबुलिन बस वो मल्टीप्लाई नहीं होने वाले, वो जितने आपको दे दिए उतने रह गए। सो वो इम्यूनोग्लोबुलिन आप लोगों को इतना प्रोटेक्ट या पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने लायक काफी नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1-2% मान लो फैमिली मेंबर है उसको हो गया है, तो एक फैमिली मेंबर से निकाल के दूसरे फैमिली मेंबर में इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल, वो भी हर जगह नहीं होता, राइट। सो ये एक चीज है प्लाज्मा निकाल के जो लोग कह रहे हैं वो चीज के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है पूरी दुनिया के लिए सोल्यूशन बनाना। एक वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, और जब भी ये वैक्सीन आएगी बनेगी ऑब्वियसली इसकी जरूरत सबको पड़ेगी, क्योंकि ये वायरस फिलहाल 14 दिन में या 21 दिन में खत्म नहीं होने वाला, ये वायरस रहेगा और हो सकता है ये लॉकडाउन भी आगे तक रहे, आगे तक धीरे धीरे चीजें चालू हो, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि जब तक वायरस है दुनिया में लोग मर रहे हैं तो हम स्कूल कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज खोल दें और इतनी सारी जनता को रिस्क में डाल दें, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। कई लोगों को दिक्कतें होने वाली हैं, जी हाँ, लेकिन फिलहाल एक बड़े महामारी से हजारों लोगों की जान जाने से तो ये अच्छा है। सो अभी फिलहाल की सिचुएशन ये है, एग्जैक्टली कितने दिन क्या होने वाला है इसकी जानकारी ना मुझे है ना किसी और को है, ये चीज डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लेना है। उसके लिए आप MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट को फॉलो करें, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं उनके क्या प्लान्स हैं और वो क्या करने वाले हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी बीच बीच में आके आपको बताते रहते हैं रात को 8 बजे। सो ये आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और आई होप आपको समझ आया वायरस का और वैक्सीन कैसे एक्ट करता है, काम करता है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, गलत इन्फॉर्मेशन से बचिएगा।